हो रहा है बोले। जय माँ सरस्वती, सब लोग बोलिए सरस्वती मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। बहुत धीरे बोले आप लोग। आज बहुत ही दुर्लभ संयोग है कि हम दो माँ की पूजा एक साथ कर रहे हैं, एक भारत माँ और दूसरी सरस्वती माँ। भारत माँ देश के लिए, आज ये दुर्लभ संयोग है गणतंत्र दिवस का और बसंत पंचमी का। आज जिन शहीदों की वजह से हमें आजादी मिली और जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे एक देश के रूप में खड़े हैं, वक्त है कि हम उन्हें याद कर लें। गणतंत्र दिवस पर हम उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे खुश होकर के जी पा रहे हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। इसलिए हम लोग को उनको आज सबसे पहले स्मरण करना चाहिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर। साथ ही जिन लोगों ने हमारे संविधान का निर्माण किया, हमारे देश को एक नया आकार प्रदान किया, उन सभी को मेरा नमन है। और उन्हीं सबके प्रतीक के रूप में, जिसे सभी लोगों को एक साथ जैसे हम नमन कर सके, इसके लिए आज हमारे बीच में स्वयं भारत माता उपस्थित हो गई है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे पंचमी का अवसर है, माँ सरस्वती के पूजन का दिवस है। आज हम जितने भी विद्या के उपासक हैं, विद्या के साधना करने वाले लोग हैं, चाहे संगीत के हो, साहित्य के हो, कला के हो, सभी को आज माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, वो कर भी रहे हैं। तो आज माँ सरस्वती अपना उपासना स्वयं देखने के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे स्वयं उपस्थित हो गई है। सब लोग बोलिए सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की। अब सबसे पहले हम एक देशगीत की प्रस्तुति करेंगे और फिर माँ सरस्वती के गीत की प्रस्तुति करेंगे। तब आज हमारे जो बच्चे कलाकार हैं, छोटे बच्चे थोड़े बड़े सभी के कार्यक्रम होंगे। तब तक पीछे से जो लोग प्रसाद वितरित कर रहे हैं, वो लोग भी प्रसाद खिलाते भी हैं और यहाँ लोग गाते भी हैं। Bye.
Bye.
आनंद आ रहा है। रूपम, आप भारत माता के रूप में सुश्री अजिता द्विवेदी और माँ सरस्वती के रूप में सुश्री रवि शर्मा को दोनों के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। वापस अपने स्थान को प्रस्थान करें। रूपम, ये पकड़ना पड़ेगा, हम ये लगाएंगे ना। प्रसाद वितरण जो लोग कर रहे हैं कृपया करते रहे आगे भी, और मैं अनुरोध करती हूँ हमारे छोटे छोटे 12th के बच्चों से कि वो जो सरस्वती वंदना तैयार की है मंच पे बैठ जाए और उसको सबके सामने सामने इतनी जगह है, पीछे किसी जगह ही नहीं। जल्दी करो, जल्दी करो, आगे बढ़ो अर्पण, आगे बढ़ो लक्ष्य, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे आगे बढ़ो लक्ष्य बल के तुम पीछे आ जाओ। सीधा बच्चा सीधा होगा उधर निकल। हाँ चलो, और आगे प्रसाद का पत्ता लगा पत्ते। सोहिनी दीदी पाता का भारत नहीं हाँ 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 आगे प्रसाद हो गया प्रसाद 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 पंडित प्रसाद ली यार अरुण
आगे 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 मैम तुम पूछते तुम्हें चाहिए आस्ते पा रही जगह थोड़ा सा वहाँ ईशाना वहाँ थोड़ा जगह छोड़ कर और करो बैठेंगे भी नहीं खाली साइड में थोड़ा खड़े होने की जगह है इनको ना थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फिर हम चलेंगे। अरे हमारे एक सेकंड हम गिर जाएंगे रुको 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 उठाओ Thank you.
पायल की Thank you.
Thank you.
मतलब तानपुरा पर्स हटा दीजिए, अभी सारा साफ कर दीजिए, लेकिन डोल गाएंगे सब गाएंगे। कई सारा राग है, माल पॉन्स हिंडोल सब ये सब है। नी फिर उसमें जय राधा।
रहा है आज। हेलो हेलो, आज यहाँ के सभी बच्चों के लिए बिल्कुल परिचित नाम है मनोज गुरु जी, श्री मनोज पांडे जी। आज उनका हैप्पी बर्थडे है, हम लोग चाहते हैं कि उनको आज हैप्पी बर्थडे में सबके सामने एक माला पहना दे। माला कोई नीचे से ले आया, सरस्वती जी वाला। आई आई आई, श्री मनोज पांडे जी को हम लोग सभी लोग मनोज गुरु जी के नाम से जानते हैं। आज कम से कम 15 साल और 18 साल कितना हो रहा है, कितने साल हो रहे आपको आते हुए? 18 साल 15 साल, 17-18 साल से नीचे नहीं, 17-18 साल से लगातार शिल्पायन की ओर इनका आना जाना चलता रहता है। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जिसमें ये ना आते हो और बच्चों को कुछ न कुछ गिफ्ट देना, कोई व्यवस्था करना, खिचड़ी का प्रबंध करना, कुछ ना कुछ इनके जिम्मे बहुत कुछ रहता है, खुद ही से जिम्मेदारी उठा लेते हैं। तो आज सभी लोगों को खिचड़ी खिलाने की जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है और आज उनका जन्मदिन भी है। अरे भाई लाया कोई माला? गई गई लाइए वहां से सीधे इनके गले में। सब लोग जोर से बोले हैप्पी बर्थडे। एक और माला चाहिए। अच्छा ये लोग अक्सर अक्सर रिलेटेड हैप्पी बर्थडे बहुत बोलते हैं क्योंकि क्या भूल जाते हैं, बाद में फेसबुक में देखते हैं वन डे बिफोर। अच्छा लेकिन आज हम लोग एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोलने वाले हैं। हमारे बीच में ऐसे ही एक सज्जन है जो पिछले काफी वर्षों से लगातार शिल्पायन के साथ जुड़े हुए हैं और शिल्पायन को बहुत सपोर्ट करते हैं, यहाँ के बच्चों को बेइंतहा प्यार करते हैं। उनका नाम है मलाया और उनका नाम है श्री हरि नारायण साडर। उनका उनका कल हैप्पी बर्थडे, आज हम लोग एडवांस में उनको माला पहना दे रहे हैं। आ गया ऐसा बस, क्या डबल डबल माला लगा है, पता ही चल रहा है कि साडर जी को बहुत प्यार करता है। आइए साडर जी। अब ये तय करेंगे कि लाल वाला माला पहनेंगे या सफेद वाला, इसको खोल के बाहर डालो फिर दृष्टि करने से लोग खड़े उठ गया। हम लोग फिर से बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। मेरा भी 5 दिसंबर को है। आयुष्मान की मम्मी को ले इसके बाद लड़कों का कोई रुक है क्या गाने वाला है? जय की जय जय मास्टर सुबह कुछ नए नए हमारे हैं, देखने में लोग बड़े जरूर है लेकिन छोटे छोटे बच्चे ही मानना चाहिए क्योंकि कोई 4 महीने से है, कोई 3 महीने से है, कोई 6 महीने से सीख रहा है, उनको हम लोग बच्चा मानते हुए उनसे एक गाना गवाएंगे जय श्री जय जय माँ सरस्वती और उनका तबला बजाएंगे श्री हरिनारायण साडे। आ जाओ कौन कौन हो? शंकर अपनी टीम लेके आओ।
ये लोग बहुत ही थोड़े दिन से शिल्पायन में से सीखना शुरू किए हैं अभी कोरोना काल के बाद से, तो इन लोग का हौसला अफजाई के लिए आप लोग जोरदार ताली जरूर बजाइएगा थोड़ी देर पहले। তখন থেকে যাবে পরে আছে আমি স্টার্টিং দিয়ে ছড়বে এখানে বন্ধ করতে আছে এই ছড়াবো কি এটা তো টর্চার ব্যাপার। इसके बाद जैसा जैसा के बाद आजकल ज्यादा जैसे हाँ माफी छोड़ 10 मिनट में कितने दीपक सीतामढ़ी शंकर गौर रामानंद और विशाल मिश्रा इसके बाद मातोश्री जाने के लिए आ जाएंगे तैयार रहेंगे। और उसके बाद उसके बाद वो दूसरे लड़कों का उसके बाद तुम लोग ठीक है। Thank you.
बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी भारत माता सरस्वती माता और उनके साथ और सब माता जी लोग को अपना प्रस्तुति करने के लिए। जल्दी आओ, जल्दी आओ। आइए पूरा साइज को अभी बता देते हैं। Baby।
अगला कार्यक्रम के लिए मुनी ट्रैकबोर्ड लगी दे पर तो आइए अगला कार्यक्रम के लिए हम स्वागत करते सभी का और इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है कृपया सभी लोग आ जाए और कार्यक्रम का लाभ ले। ये तुम्हारा भी है
Yeah.
अब वक्त है बहुत अच्छे अनाउंसमेंट का। सभी को पता है जो गुरुकुल में जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने एक बंदिश बनाओ प्रतियोगिता रखी। अब आप कहेंगे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि बंदिश बनाओ मतलब क्या होता है। बंदिश पहला तो ये शब्द है। बंदिश किसे कहते हैं? शास्त्रीय संगीत की किसी भी रचना को बंदिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ताल और लय और सुर से उसको बांधा जाता है, तो बांधने से उसमें हो गया बंदिश। जरा ध्यान से सुनना सारे लोग, बतियाना तो बांधने भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे बीच में जो प्राइज विनर्स है उनका जो है प्राइज विनर्स है उनका अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो प्राइज विनर्स जो है, हम लोगों ने दो तरह के वर्ग रखे थे। एक था विशिष्ट वर्ग। विशिष्ट वर्ग में हम लोगों ने कठिन कठिन राग दे दिए थे कि इसी का राग में बनाना है, साथ में कठिन कठिन ताल भी दे दिया था। मैंने पहले से बहुत झमेला कर दिया था उसमें, फिर भी काफी प्रविष्टियां आई। और इसके बाद सामान्य वर्ग में जो था कि वो कोई भी उसमें बंदिश किसी भी राग में किसी भी ताल में कुछ भी बना सकता है, तो काफी प्रविष्टियां आई। जजमेंट में कौन थे सभी को पता है, एक में जज थे डॉक्टर शुभंकर डे और डॉक्टर तन्वी गोस्वामी विशिष्ट वर्ग। और जूनियर जो बाकी सामान्य वर्ग में जज थे प्रियांशु घोष और अपूर्वा तिवारी। इन लोगों ने जो जजमेंट दिया उसका एकत्रीकरण करके हमने और रागिनी मैम मतलब प्रिंसिपल मैम ने हम लोगों ने मिल करके उन दोनों के रिजल्ट्स के आधार पर प्राइज पर यहाँ घोषणा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने हालांकि गुरुकुल में डाल दिया, फिर भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट। सामान्य वर्ग में भी दो रखे गए थे, कनिष्ठ और वरिष्ठ। कनिष्ठ वर्ग में फर्स्ट आई है आशी बत्रा। अभी हम लोग प्राइज जो है लोगों के खाते में, आज तो कैशलेस का जमाना है ना, तो हम लोग गूगल पे करें कैशलेस समय, सब कुछ डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया में तो आशी बत्रा के खाते में पेटीएम से 500 रुपया पहुंच जाएगा। और जो सेकंड है उनके नाम है माधव गौतम। हम लोग ने थोड़ा इतना ज्यादा टफ कंपटीशन था, कोई बोल रहा है ये फर्स्ट है, वो दोनों जजेस में भी था कि ये सेकंड है। फर्स्ट में तो लगभग सही दोनों का एक था, बल्कि एक ही था, लेकिन सेकंड वाले में थोड़ा था इनका दो इस तरह। तो हम लोग सोचा कि दोनों की बात मान लेते हैं। तो माधव गौतम, श्रेयसी बेरा, जानवी मिश्रा, आयुष शर्मा और प्रज्ञान चंद्र, हम लोगों ने दो सेकंड प्राइज रखा था, उसको हम लोगों ने बढ़ा करके 4-5 कर दिया। और प्रत्येक को वही प्राइज रखा, प्राइज नहीं घटाया, 300 रुपए प्रति विद्यार्थी, सभी लोगों को 300-300 रुपए के खाते में। अब आया सामान्य वर्ग में वरिष्ठ। वरिष्ठ में थोड़े इतने भी वरिष्ठ नहीं है लेकिन वरिष्ठ, उसमें जो फर्स्ट है उसका नाम है दिधिमा गुप्ता। इसमें भी दोनों जज एक मत से दोनों ने इसको ही फर्स्ट किया था, डॉक्टर शुभंकर डे ने और डॉक्टर तन्वी गोस्वामी। अच्छा इसमें नहीं, इसमें तो अपूर्वा तिवारी और प्रियांशु घोष ने। और सेकंड में फिर वही बात आई, कोई बोला ये कोई बोला वो, तो हम लोगों ने उसको जोड़ दिया, प्राइजेस वो नंबर ऑफ वो बढ़ा दिए, प्राइज मनी सेम रखा। तो प्रज्ञा गुप्ता, सौम्यजीत बेरा, प्रज्ञा गुप्ता यहाँ मौजूद है, सौम्यजीत बेरा हो सकता ऑनलाइन जुड़ी जुड़ा हो, नरेश परगाई चला गया, अरे देखिए नया लड़का है लेकिन इतना अच्छा ये काम कर रहा है, कभी हारमोनियम जोरदार बजाता है, कभी गाता है, कभी अच्छा गाने भी लगा है, सब कुछ कर रहा है, और साथ में इसने बंदिश भी बनाई। नया होने के बावजूद उसने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ा, बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ हमारी श्रीमती भावना गुप्ता जी ने भी अपना वो दिखाया, एक तरह से एक हम लोग श्रीपायन में जो सभी विद्यार्थी है, चाहे छोटा हो भी तो भी विद्यार्थी, बड़ा हो तो भी विद्यार्थी, मैं भी तैरती तुम लोग भी तैरती। तो भावना गुप्ता जी और अन्नपूर्णा शुक्ला, इन सभी लोगों को 400 रुपये प्रति विद्यार्थी सबको प्राइज दिया जाएगा। अब आती है बारी वरिष्ठ वाली, इसमें थोड़ी मारकाट बची। एक तो वरिष्ठ लिखा गया, एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए विशिष्ट, विशिष्ट तो टाइप में शायद। तो विशिष्ट वर्ग में ये था कि कोई तीन ही राग देगा तो उसी में बनाना, तीन ही ताल देगा, तो कई लोगों ने जानबूझकर इसमें भाग ही नहीं किया, क्या कि नहीं रागों में हम नहीं गाता है हमको,
लेकिन हम लोगों ने कठिन कठिन रहा। कौन कौन से जीते? सारस और चार ताल ध्रुव छपताल और ध्रुव छपताल। तो खैर इसमें जो भी आए थे इसमें कई लोग आए थे लेकिन इसमें हम लोगों ने एकदम चुन के सिर्फ दो फर्स्ट और दो सेकंड रखे। इसका पहला है रूपम बसा और दूसरी है जयंती सर्दे। ये दोनों ही फर्स्ट, दोनों के नंबर में कांटे का टक्कर था। और फिर सेकंड में बैरही निमगांवकर और रायपुर शहर तलवीर धामरा, दोनों को जयंती का और रूपम को 1,000 रूपए मिलेंगे पुरस्कार और बैरही निमगांवकर और तलवीर धामरा को 500 रूपए प्रति मिलेंगे। सबको बहुत बहुत बधाई। ये सब पैसा कुछ नहीं होता है, चॉकलेट खाने के लिए है या हम लोग उसमें पिज्जा भी नहीं खा सकते। लेकिन हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आगे जाके एक समय आएगा जब लापिनोस का जो सबसे बड़ा वाला पिज्जा है, देखा है किसी ने लापिनोस वो बहुत बड़ा है, जब हमने देखा तो हमें दम लग गया कि इतना बड़ा बनाया कैसे। वो बाई चांस मेरी पार्टी थी भी नहीं, अरुण ने मुझको पार्टी नहीं दिया था, अरुण ने मुझे पार्टी नहीं दिया था लेकिन नहीं ऐसा बोला था। हम भी कहते कि नहीं बच्चों में हम लोग नहीं जाते, तो वहीं पर हम लोग ऑर्डर करके बैठे हुए थे, आया नहीं था माल कभी तक। बोले नहीं नहीं गुरु जी आप भी खाइए आप भी खाइए, तो हम लोग ठीक है आता होगा उसी में थोड़ा खा लेंगे। साइज देखे तो अरे बाप रे बाप, हमें लगता है कि इतना बड़ा रहा है तो कैसे बनाए भगवान। चक्रवर्ती बहुत ही अच्छे आदमी है, ये अपने आप को घोषित फूडी मानते हैं, साथ ही साथ लिटरेचर संगीत बहुत सारी गंभीर चीजों के लिए बहुत अच्छे विद्वान। और कम उम्र के होने के बावजूद जब ये बोलता है, हम तो बोलता ही बोलेंगे, अब बोलते हैं पता नहीं कैसा लग रहा है, सही में बहुत छोटा है, तो बोलते जब ये बोलते हैं तब लगता है कि हाँ सरस्वती का निवास है इसके जीवन पर। बहुत ही अच्छी बात है। और अब हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत आ गई है जिन्होंने बनारस में ढेर सारे लोगों को कोरोना के काल के कवलित होने से बचा लिया, काल कवलित होने से बचा लिया, उनके मुंह से बाहर खींच के भी लोगों को लाए। इतने लोगों की इन्होंने कोरोना काल में सेवा की। हमारे साथ शिल्पायल में आप जुड़े हुए हैं, अक्सर आते भी हैं कभी कभी मौका निकाल करके, हालांकि बहुत व्यस्त रहते हैं क्योंकि वो डॉक्टर कम और सोशल सर्वेंट जाते हैं, इतना ज्यादा सर्विस करते हैं, इतने लोगों को कब ये वक्त निकालते हैं कि गरीबों को खाना खिलाने से लेकर घर की काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने से लेकर के अपने ड्राइवर को से लेकर के नीचे नीचे तबके में उनका कितना गहरा काम होता है, हमें समझ में नहीं आता कि डॉक्टरी करते करते। लेकिन हम लोग सभी इनके बड़े उपकृत हैं और सभी को कोरोना हुआ था तो इन्होंने ही हम लोग को बचाया है। ये डॉक्टर के रूप में हम लोगों के देवदूत हैं। तो आज ये मौजूद है, इनके पास एक और खूबी है। मत मारो तलवर गा, मत मारो तलवर गा, नयन के नयन के नयन के मत मारो तलवर गा। तुम लोग आप जगह बनाओ, जगह बनाओ। ये वाला
मत मारो तलवरिया नयन के मत मारो तलवरिया I'm
इलाज भी करते हैं, बड़े बड़े का इलाज कर चुके हैं, कोई वो तो बताइएगा इलाज कर देंगे अच्छे से देख लेंगे। तो इन्होंने 8 तारीख को आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, आप बड़े छोटे गार्जियन हो, चाहे विद्यार्थी के बच्चे हो, चाहे विद्यार्थी के पापा मम्मी हो, सभी लोगों के लिए और विद्यार्थियों के लिए तो है ही है, 8 तारीख को ये यहाँ पर एक घंटे का एक शिविर लगाएंगे, जिसमें ये बहुत ही जीवन से जुड़ी हुई क्या चीजें अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है ये बताएंगे। इनकी एक मुहिम है जिसका नाम है स्वास्थ्य मेव जयते, और वो यही से शुरू हुआ था, नीचे वाले हॉल से पहला एपिसोड वहां से शुरू हुआ, और इसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे। देखिए माँ सरस्वती के आंगन में जो आज हम लोग बैठे हैं, सभी लोग किसी न किसी रूप में ज्ञान की आराधना करते हैं, और 5 साल पहले इसी प्रांगण में एक नए शब्द का विमोचन हुआ था, उसका नाम था स्वास्थ्य मेव जयते। उसको भारत सरकार ने उस शब्द को इतना पसंद किया कि आकाशवाणी के FM रेडियो चैनल पे, विविध भारती पे 100.6 पे उसको उन्होंने प्रसारित करने के लिए हमको बोला, और ये बहुत खुशी की बात है कि पिछले रविवार को 240 और इस रविवार को उसकी 241वीं कड़ी हो जाएगी, और सबसे लगातार प्रचारित प्रसारित होता है, और हमको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग 250वीं जब कड़ी मनाएंगे तो हम यहाँ पे शिल्पायन में ही उसको सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये नया शब्द का विमोचन हुआ, और शब्द स्वयं में आपको एक दिशा देते हैं, और इसीलिए रामचरितमानस में एक जगह आया है, तुलसीदास जी ने भी माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कहा गया है कि
कि जही पारी कृपा करहू जन जान, जही पारी कृपा करहू जन जान, कभी उर अजीर न छावहु भानी, मोर सुधारही सो सब भांति, मोर सुधारही सो सब भांति, जहाँ सुकृपा नहीं कृपा अघाती। कि माँ सरस्वती के जो भक्त होते हैं, आराधक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, माँ भगवती शब्दों के रूप में उनके हृदय रूपी आंगन में नृत्य करती है। तो ये शब्द जो है जैसे इंजन जिधर जाता है उधर बोगियां चलती हैं, आपके अंदर जो नए शब्द का सृजन होता है आपके जीवन की दिशा वैसे ही होती है। इसलिए शब्दम ब्रह्म कहा गया है, शब्द को ही ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म माने क्रिएटर होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस नए शब्द की जो संरचना हुई है संगीत के साथ, शब्दों की भी संरचना यहाँ होती है, इसकी 250वीं कड़ी हम धूमधाम से मनाएंगे। और 8 तारीख को स्वास्थ्यमेव और जयती की जो यहाँ पे कार्यक्रम होगा उसका मूल हमारा उद्देश्य हो गया लाइफ मैनेजमेंट। हम अपने स्वास्थ्य को नहीं जीवन को कैसे मैनेज करें, ये हमारा उस दिन का बिंदु रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमें उम्मीद है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं वे सभी आपको सुनने के लिए आएंगे, आपकी सुरीली आवाज भी सुनेंगे और मधुर वचन भी सुनेंगे। इनके बेटा एक MBBS डॉक्टर के साथ साथ भरतनाट्यम की इतनी उत्कृष्ट नृत्यांगना है कि अभी तुरंत कहिए मैं यूट्यूब में उसको खोल के आपका डांस दिखा सकता हूँ। शिल्पायन चैनल में भी मौजूद है। और यहाँ पे थोड़े दिन पहले प्रतिष्ठा पुरानिक का डांस हुआ था, तो प्रतिष्ठा पुरानिक और उनकी बेटी नूपुर खन्ना ये दोनों साथ में डांस हमारे शिल्पायन के कार्यक्रम में मैथिली भवन में कर चुके और इसी से इनके साथ हमारे संबंध की शुरुआत होती है। और उससे पहले एक दो बार निखिल खन्ना जो है वो US में पढ़ाई कर रहा है, बांसुरी का कलाकार और टेक्नोलॉजी में आगे चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। कुछ दिन पहले आपने देखा PhD करते करते कितना अच्छा सरोद बजाया। अगर आप नहीं आए थे तो आप मिस किए, क्योंकि एक USA में न्यूयॉर्क में जाकर PhD करने वाली लड़की जो महज 25 साल की होगी श्रुति डे, और उसने यहाँ पे 45 मिनट तक जो है सरोद वादन कर सरोद वादन किया। अगर आपने नहीं सुना है तो आप देख लीजिए कि फिजिक्स में PhD करते करते वो भी न्यूयॉर्क में करते करते इस समय वो वही मौजूद, वो कितना अच्छा बजाती है। यूट्यूब में हमारे चैनल पे जाइए, थोड़ा पीछे स्क्रॉल करिएगा, शिल्पायन चैनल में आपको मिल जाएगा, आप सुन के देख सकते हैं। और अंतिम सूचना, सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी लोग आप मेरा गायन सुनने के लिए नागरी नाटक मंडली जरूर आइएगा। कल शाम को 6:30 से कार्यक्रम शुरू होगा, मेरा दूसरा आइटम, इसलिए आप लोग कल विद्या देवी स्मृति में है। आज हम लोग ने जो मधुमारू कलरिया गाया है उन्हीं के द्वारा ये प्रचारित किया गया था, प्रचलित हुआ था ये गीत जो उन्हीं को समर्पित एक तरह से आज ही मैंने कर दिया। और कल इस कार्यक्रम में आप लोग सभी लोग आएंगे। नागरी नाटक मंडली कबीर चौरा पे है, बहुत सारे लोग बाहरी हैं और नहीं जानते हैं, बहुत आसान है, शहर के बीचों बीच है, बस यहाँ से महज 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो 6:30-7 बजे के आसपास आप लोग वहाँ जरूर मिलिए। और आज इस संगीतमय कार्यक्रम का यही समापन करते हैं, तब तक धीरे धीरे आप लोग ऊपर की ओर कम से कम 20 लोग ऊपर चले जाए, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ खिचड़ी आपको खिला सके। जिन्हें अपने घर में ले जाना है वो भी वहाँ पे डिब्बे हैं, वो भी ले जाए, और बहुत पर्याप्त है हमें लगता है, पर्याप्त है ना, तो पर्याप्त है तो आप लोग घर में खाने के लिए ले जाइए, अपने पास वाले रूममेट्स के लिए ले जाइए। और सब लोग धीरे धीरे 20-20 लोग रवाना हुई हमारी बहन भी आई उसको ऊपर ले जाओ उसको। रुपम भैया लाइव आप ही बंद करिएगा हमने।
इसको ऊपर भी तो लाइट थोड़ा दिखा है भाई भाई, हम बोले हैं ऊपर का भी लाइट। हेलो, आपकी तबला वाले इतने दयालु हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री हरिनारायण शारदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद की सीमा नहीं है। यहाँ पे इतने सारे लोगों ने इस कार्य में सहयोग किया है, सबको एक थोड़ी देर बाद ना, थोड़ी देर बाद स्कूल वाले थोड़े मामा अच्छा श्री श्रावण सिंह को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बगल में बैठा हुआ सिर्फ छोड़ कभी कभी दिया तले अंधेरा ला जाता है। ये है ब्लैक वाली पॉलिथीन है, खिचड़ी का बात तुम खिचड़ी का बाल्टी हो, सब्जी दे, सब्जी दे दीजिए, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, देख नीचे गिर रहा है। लगा हुआ है ना, खीर लगा रहे हो, क्या करोगे प्लेट तोड़ के डालोगे। अभी रुको, শুধু একটু মিষ্টি দাও চলে।
ये बंद कर दीजिएगा। मैम मैम गुरुजी लाइव गुरुजी लाइव लाइव।